भगवान शिव का पर्व माना जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पहली बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन के ही महीने में आए थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। ऐसे में कहा जाता है कि सावन के महीने में हर साल भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सभी को अपना आशीष देते हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है और इस कारण ही सावन में हर शिवालय में भक्तों का ताता लगा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वरमय टाइम्स का कार्यक्रम शिव का शिवालय और मैं हूँ आपके साथ लक्षिका। वैसे तो छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल है, इनमें से एक है भोरमदेव। भोरमदेव का यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर पर्यावरण से घिरे सुंदर पहाड़ों के बीच छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कवर्धा से 18 किलोमीटर दूर स्थित है। भोरमदेव मंदिर नागर शैली और जटिल नक्काशीदार चित्रकला का एक शानदार नमूना है, जो श्रद्धालुओं के साथ साथ देश भर से इतिहास और कला प्रेमियों को भी आकर्षित करता है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक विभाग की खोज और यहाँ मिले शिलालेखों के अनुसार भोरमदेव मंदिर का इतिहास 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कलचूरी काल का माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में फणिनाग वंशी शासक गोपाल देव और लक्ष्मण देव राय ने करवाया था। इस मंदिर की संरचना कोणार्क मंदिर और खजुराहो से मिलती जुलती है। यहाँ स्थापत्य शैली में कामुक मूर्तियों के साथ कुछ वास्तुशिल्प विशेषताओं को जोड़ा गया है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के गोंड आदिवासी भगवान शिव की पूजा करते थे, जिन्हें वे भोरमदेव कहते थे, इसलिए इस मंदिर को भोरमदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। इतिहासकारों की माने तो यह मंदिर पूरे खजुराहो समूह से भी पुराना है। परम पुरातन भगवान श्री भोरमदेव जी का मंदिर सन 1089 में निर्मित हुआ था। यहाँ भूत भावन भूतेश्वर भगवान श्री भोरमदेव जी महाराज विराजमान हैं और भगवान के साथ में गर्भगृह में अब जाकर के देख सकते हैं, भगवान के साथ में भगवान गजानन स्वामी, भगवान गणेश जी विराजित हैं, भगवान के सम्मुख पंचमुखी नागराज विराजित हैं एवं राजा गोपाल देव राय, उनकी भी प्रतिमा अंदर रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर महकल पर्वत के सुंदर श्रृंखलाओं में विराजित भगवान श्री महादेव जी का दिव्य और भव्य मंदिर स्थापित है। आज भी श्रद्धालु जन, भागवत जन आकर के भगवान श्री महादेव जी का दर्शन करते हैं, भगवान में आकर के अभिषेक करते हैं तो भगवान महादेव जी उन सब की इच्छाओं को, कामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। भोरमदेव मंदिर के प्रति क्षेत्र के लोगों की खूब आस्था है। हम सब सावन में तो विशेष करके मंदिर जाते हैं और सावन सोमवार में तो लोगों का तांता लगा होता है शिव भक्तों का। 125 किलोमीटर दूर से अमरकंटक से जो कांवरिया आते हैं वो भी भोरमदेव बाबा में अपना जल चढ़ाकर अपनी मनौती पूरी करने की के लिए काम करते हैं और ऐसे दूर दूर से भी छत्तीसगढ़ के दूर दूर से भी लोग भोरमदेव के लिए ज़रूर आते हैं। भोरमदेव का शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हमारा आस्था का केंद्र है और ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है, तो साल भर यहाँ पे दर्शनार्थी आते ही रहते हैं, पर सावन में विशेष रूप से जब यहाँ पे पदयात्रा होती है प्रशासनिक तौर से, तो सभी का आस्था और हमारा गाढ़ा हो जाता है। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान गणेश की छवियों के अलावा भगवान विष्णु के 10 अवतारों की छवियों को भी चित्रित करता है। लोगों का कहना है कि इस तरह से विश्व के किसी भी मंदिर में भगवान श्री गणेश को तांत्रिक के रूप में नहीं दिखाया गया है। यह विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री गणेश को एक तांत्रिक के रूप में दिखाया गया है। मंदिर परिसर को अक्सर पत्थर में बिखरी कविता के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर एक 5 फुट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर बनाया गया है। भोरमदेव में स्थित यह मंदिर का मुख पूर्व की ओर है, लेकिन मंदिर में 3 ओर से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में गंगा और यमुना की प्रतिमाएं दिखती है। मंदिर के मंडप की लंबाई 60 फुट है और चौड़ाई 40 फुट। मंडप के बीच में 4 खंभे हैं और किनारे की ओर 12 खंभे हैं। यह खंभे छत की भार को तो संभालते ही हैं, साथ ही साथ इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। सभी खंभे बहुत ही सुंदर और कलात्मक है। भोरमदेव मंदिर के अलावा यहाँ मड़वा महल भी काफी प्रसिद्ध है, जो मुख्य मंदिर परिसर के 1 किलोमीटर के आसपास में स्थित है। इस मंदिर की संरचना मैरिज हॉल या पंडाल के समान है, इसलिए इसे मड़वा महल कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।